हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो भी मेरे दोस्तों को वर्क परमिट रिसीव किए हुए, किसी को 6 मंथ हो गया, किसी को 8 मंथ हो गया, किसी को 10 मंथ हो गया और अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। तो बहुत सारे मेरे दोस्तों ने अरब कंट्री में भी अपने पैसे खराब करके रखे हैं। किसी को 1000 दिरहम दे दिया, किसी ने 2000 दिरहम खराब करके रखा है कि हाँ, मेरे को उस बंदे ने बोला था कि मैं तुमको अपॉइंटमेंट दिलवा दूंगा, लेकिन फिर भी मेरा ड्रॉ में जो नाम नहीं आया। तो मेरे दोस्तों, मैं सबसे पहले ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो दुबई या किसी भी जो अरब कंट्री का ड्रॉ सिस्टम है, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो आप किसी को भी पैसे दे के अपने पैसे जो खराब ना करें। और अभी आप अपने जब भी एजेंट के पास जाओगे, तो अभी बहुत सारे मेरे दोस्त मेरे को यही बताते हैं कि सर, मेरा जो एजेंट है वो बोल रहा है कि तुम ऐसा करो, तुम इंडिया में अभी अपॉइंटमेंट मिल रही है, तो इंडिया से जाके जो तुम इधर से अपनी कंपनी से छुट्टी लेके जाओ 2 महीने की, और इंडिया में जाके इंडिया से सबमिशन करो। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि अब अगर आप जा रहे हो इंडिया में, तो आपको पता होना चाहिए कि उधर क्या सिस्टम चल रहा है, क्या उधर का वीज़ा रेशो है, और उधर का वीज़ा इधर से आप जाओगे आपको फ़ायदा कुछ होने वाला है या नहीं है। तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे मेरे दोस्तों ने प्लान भी करके रखा है कि हाँ, अभी हम इंडिया में जाएंगे महीने की छुट्टी लेके या 1.5 महीने की छुट्टी लेके, तो हम उधर से अपना जो सबमिशन करके अगर हमारा वीज़ा लगता है तो हम सीधा इधर आके फिर से दोबारा फ्लाइट करेंगे। तो उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको इंडिया में जाके सबमिशन करवाने का कुछ फ़ायदा होने वाला है या नहीं है। तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको जो अपॉइंटमेंट मिलेगी, आपको बिल्कुल अच्छे से उसको चेक करना है, क्योंकि 60% जो अपॉइंटमेंट मिल रही है इंडिया से वो फेक मिल रही है। तो इसीलिए आप किसी से भी आप अपॉइंटमेंट करवाएं, बिल्कुल अच्छे से पहले उसके बारे में जान लें, और उसके बाद में ही आप जो उसको जब भी आपको वो लॉगिन आईडी देता है, उसको अपनी अपॉइंटमेंट को चेक करने के बाद में ही आप उसको जो पेमेंट दें। और उसके बाद में जब आप अप्लाई करते हो, आपको अपॉइंटमेंट मिल गया, आपने सबमिशन कर दिया, लेकिन अभी क्या है, अभी मेरा एक दोस्त था, उसने सबमिशन किया था इंडिया से, लेकिन अभी उसको 3 महीने हो गए, ना तो उसका पासपोर्ट वापस आया, ना उसको अभी पता है उसका वीज़ा लगा नहीं लगा, ना कोई उसको एम्बेसी से मेल आया, उसको पता ही नहीं है कि उसका पासपोर्ट कहां पर है। तो इसलिए अगर आप 2 महीने की छुट्टी या 1 महीने की छुट्टी लेके जा रहे हो, तो बहुत सोच समझ के जाइए, क्योंकि इंडिया में सबमिशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। अब अगर आपको ओरिजिनल जो अपॉइंटमेंट मिल रहा है BSF का, तो सबमिशन हो रहा है, लेकिन सबमिशन के बाद में पता नहीं कितना टाइम जो एम्बेसी ले रही है। अभी उसको 3 मंथ हो गए हैं, अभी तक उसका पासपोर्ट नहीं आया, ना उसको कोई मैसेज आया है, ना उसको पता है उसका वीज़ा लगा है नहीं लगा है। चलो, वो तो बाद में पता चलता है जब आपको कुरियर जो रिसीव होता है, लेकिन अभी तो उसको कुछ पता ही नहीं है उसका पासपोर्ट कहाँ पर है। कंपनी ने भी ओवरस्टे की वजह से अभी उधर आ भी नहीं सकता है, क्योंकि कंपनी ने 2 महीने की छुट्टी के लिए गया था, अभी उसको सबमिशन किए हुए 3 मंथ हो गए, तो उसके पास पासपोर्ट भी नहीं है कि वो दोबारा वापस दुबई में आ सके। तो इसलिए अगर आपको जाना है, तो बहुत सोच समझ कर जाइए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इधर वेट कर रहे हो, अगर 6 मंथ से वेट कर रहे हो ज़्यादा, तो आप 1-2 मंथ और वेट कर लो, क्या पता नेक्स्ट ड्रॉ में आपका नाम आ जाए। तो इसीलिए अगर आपको जाना भी है, तो मना नहीं कर रहा हूँ मैं, आप जाइए, लेकिन बहुत सोच समझ के जाइए, क्योंकि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आप इधर से 1 या 2 महीने की छुट्टी लेके जा रहे हैं, उधर आप सबमिशन करें, तो क्या पता उधर, क्योंकि अभी हर बंदे का उधर पासपोर्ट आने के लिए टाइम लग रहा है। किसी का पहले तो आ जाता था 1 महीने के अंदर अंदर, 20 दिन के अंदर अंदर, पहले जो आपको सबमिशन के बाद में 20-30 दिन के अंदर आ जाता था, लेकिन अभी पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो नंबर 2 पे हम बात करेंगे कि वीज़ा रेशो के बारे में, और वीज़ा रेशो भी उधर से कोई ज़्यादा अच्छा है नहीं। तो इसीलिए अगर आप वेट कर रहे हो अरब में, तो यहाँ पर आपने इतना टाइम वेट किया है, तो अभी थोड़ा और कर लीजिए, क्या पता हो सकता है जो नेक्स्ट ड्रॉ आने वाला है उसमें आपका नाम आ जाए। और एक और दोस्तों को अपील करूंगा कि जब भी आप अपने एजेंट से, जो नए वाले अप्लाई कर रहे हैं, जब भी आप अपने एजेंट से बात करने के लिए जाते हो, तो कोशिश करें कि उनको बोलें कि जो मेरे को वर्क परमिट है वो मेरा 3 साल का होना चाहिए। 1 साल का वर्क परमिट रिसीव नहीं करो, क्योंकि अपॉइंटमेंट के लिए इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो 1 साल का वर्क परमिट आपके लिए अच्छा नहीं है। आप 3 साल के लिए करो, अगर आपको 1 साल जो अपॉइंटमेंट के लिए लग भी गया, तब भी आपका जो वर्क परमिट है वो एक्सपायर ना हो।
तो इसके लिए जो भी बंदा आपको एक साल का जो वर्क परमिट देता है तो उसको रिसीव नहीं करो, क्योंकि अपॉइंटमेंट का बहुत सारा इशू चल रहा है। तो इसके लिए अगर आप 3 साल का वर्क परमिट रिसीव करते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन होती है कि आपको 9 महीने बाद, 10 महीने बाद या 1 साल के बाद भी अपॉइंटमेंट मिलती है तो चलो आप जा सकते हो। और बहुत सारी कंपनी है कि वो 1 साल का वर्क परमिट देती है आपको और फिर वो रिन्यू भी नहीं करती है। तो इसके लिए बेटर है कि आप अपने एजेंट को पहले से बोल के रखें कि सर अगर तो मेरा वर्क परमिट 3 साल का आप मंगवा सकते हो, तभी आप उनके पास डॉक्यूमेंट अप्लाई करें। अगर 1 साल के लिए वो आपको वर्क परमिट दे रहे हैं तो आप उसको रिसीव नहीं करो, आप अपने पैसे नहीं खराब करो, क्योंकि एम्बेसी का अभी अपॉइंटमेंट का इश्यू चल रहा है तो टाइम लग रहा है कि अगर आप 1 महीना और ओवरस्टे कर सकते हो तो नो प्रॉब्लम। अगर आपकी कंपनी बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, अगर आप 5 दिन भी ऊपर लगा के आओगे तो वो आपको टर्मिनेट कर देगी, तो बहुत सोच समझ के जाइए, क्योंकि अभी इंडिया में इशू चल रहा है कि पता नहीं किसको कितना टाइम लग रहा है। किसी को 2 महीने के बाद पासपोर्ट आ रहा है, अभी उसका तो 3 मंथ से ऊपर हो गया। अभी मेरे से 3 दिन पहले उसकी बात हुई थी तो उसको 3 मंथ हो चुका था, अभी 3 महीने से ऊपर उसको टाइम जा रहा है। तो इसके लिए आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो इसलिए आप बहुत सोच समझ के जाइए, क्योंकि अभी जब हम जाते हैं इंडिया में, हमारा पूरा कोई भाई मेरा 5 साल से कंपनी में काम कर रहा है, कोई 3 साल से कर रहा है, कोई 4 साल से कर रहा है, तो जो उनका पूरा जो सेटलमेंट है वो इधर पेंडिंग छोड़ के जाता, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इंडिया में जाके सबमिशन करवा लें और जो आपका सेटलमेंट है पूरा वो कंपनी में ऐसे ही रह जाए। तो इसके लिए अगर आप जा रहे हो इंडिया में तो बहुत सोच समझ के जाएं, तो यही बात मैं आपसे बताना चाहता था। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी मेरा दोस्त अभी इंडिया में जाने वाला है अगर मेरी वो वीडियो नहीं देख रहा है तो प्लीज़ आपका फर्ज बनता है कि आप उसके साथ शेयर करें ताकि उसका भी नुकसान ना हो। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।